हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? दर्शिता। दर्शिता को क्या हो रहा है तुमको? कान में दर्द हो रहा है, सर्दी भी है। ओ, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है तुमको। ये हमारी फ्रेंड है दर्शिता, इसको बेचारी को सर्दी है एंड शी हैज ईयर पेन एज वेल। सी, ये सिम्टम बहुत कॉमन है, बहुत सारे बच्चों में होता है। आपके बच्चों को भी हुआ होगा, सर्दी खांसी होता है, ईयर पेन होता है। क्यों होता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूस्टेशियन ट्यूब, जो यहाँ से थ्रोट को कनेक्ट करता है, वो ईयर ड्रम के पास रहता है, यूस्टेशियन ट्यूब। जब सर्दी होती है, एक पुल होता है, प्रेशर चेंज होता है एक्सटर्नल इंटरनल में, तो कान का पर्दा खींचा जाता है और एक ओटालजिया बोलते हैं उसको। सर्दी में कान का दर्द होता है, लेकिन कान के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई पस नहीं है, कोई डिस्चार्ज नहीं है। ये वही एक्सपीरियंस है जैसे आप फ्लाइट लेते हो, टेक ऑफ के टाइम एंड लैंडिंग के टाइम आपको कान खुलता है या फिर बंद होता है, दर्द होता है। सर्दी में 60-70% बच्चों को ईयर पेन आता है। ये दोनों से आ सकता है या फिर वन से आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ईयर इन्फेक्शन हो। इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज कॉल्ड एज बैरो ओटालजिया। बैरो मतलब प्रेशर, ओटालजिया मतलब ईयर पेन। ओके, सो तुम्हारा इलाज करें, दवाई देते हैं, सिरप देंगे, सिरप लोगी कि इंजेक्शन दो? सिरप दो, ठीक है? हाई फाइव। दर्द ज्यादा हो रहा है तुमको, अभी ठीक कर दूंगा, ठीक है? ओके ओके, नाइस टू मीट यू। तो इसमें अक्सर सिंपल एनाल्जेसिक्स, सिंपल पेन किलर्स यूज करते हैं, कभी कभी ईयर ड्रॉप्स पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे सर्दी कम हो जाएगी, ईयर पेन खुद ब खुद धीरे धीरे कम हो जाता है। बट कभी कभी ईयर पेन इतना ज्यादा होता है कि रात को बच्चे चिल्ला चिल्ला के भी रोते हैं, राइट? तो घबराने की बात नहीं है, अगर सर्दी के साथ ईयर पेन हुआ है तो मोस्ट लाइकली वो प्रेशर रिलेटेड ओटालजिया है, प्रेशर रिलेटेड ईयर पेन है। फिर भी एक बार आपके पीडियाट्रिशियन या ईएनटी स्पेशलिस्ट को एक बार दिखा के डायग्नोसिस कंफर्म कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलो, बाय बोलो, स्माइल करो।